गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में फ्रेंड ज्योति इमली को नर्मदा के लिए भटकाए कि अपने मीठे लहजे में, लेकिन इमली उसे नजरअंदाज कर देगी। इमली नर्मदा के लिए खाना बनाकर लेकर जाती है, नर्मदा उसकी बहुत इंसल्ट कर देती है। फ्रेंड्स वो कहती है फ्रेंड्स कि तुम ऑलरेडी मेरे बेटे पर कब्जा कर चुकी हो, अब इस घर पर भी कब्जा करना चाहती हो। इमली कहती है नहीं, आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे अपने दिल में जगा दी, आपने मुझे अपने घर में जगा दी। लेकिन नर्मदा अटल है, वो कहती है कि अब तो मेरा दिल करता है कि मैंने जो कुछ दिया मैं वापस ले लूँ तुमसे। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसकी माफ़ी नहीं एक्सेप्ट करती। आर्यन पिछली खिड़की में खड़ा फ्रेंड्स ये सब कुछ सुन रहा होता है, देख रहा होता है। इमली रोती है, प्रेयर करती है कि हमसे सब कुछ ले लो, मगर हमें अपनी फैमिली का साथ वापस नहीं करेंगे। हमसे वो चीजें बार बार क्यों खींचती हो जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वो कहती है कि तुम हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो, हमें माँ का साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए, हमें ये सब कुछ लौटा दो। और ये कहते कहते वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ आर्यन इमली से बात करना चाहता है, वो वहाँ से निकलता है कि अर्पिता उसे रास्ते में रोक लेती है। अर्पिता उसे एहसास दिलाती है कि इमली कमजोर है, इसलिए माँ को समझा नहीं सकती और हर वक्त रोती रहती है। तुम्हारा प्यार और तुम्हारा एहसास इमली के लिए ताकत बनेगा, उसके लिए फ्यूचर बनेगा, उसका भरोसा बनेगा। फ्रेंड्स वो कहने के लिए जाने ही लगता है कि चालाक ज्योति एक बहाने से उसको रोक लेती है। वो कहती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे साथ चलो। वो उसे बिठाकर हाथ को धुआं लगाकर उसके माथे पर लगाती है। आर्यन गुस्से में आकर कहता है छोड़ो ये सब कुछ, तुम अगर ठीक हो तो मुझे जाना है। ज्योति कहती है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो। आर्यन मासूमी से कहता है फ्रेंड्स तुम्हें कैसे पता मैं नर्वस हूँ। वो कहती है तुम्हारी एनर्जी बताती है कि तुम नर्वस हो। आर्यन कहता है कुछ नहीं। फिर वो फ्रेंड्स सोच कहते हैं मुझे इमली को अपनी फीलिंग्स बतानी है, तो वो चीखती है व्हाट। फिर वो संभलती है और कहती है मेरा मतलब है तुमने ये बात मुझे तो नहीं बताई। आर्यन कहता है कि कई दिनों से ये सीक्रेट मैं लेकर फिर रहा हूँ, कुछ सेकंड पहले ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस सीक्रेट को इमली से शेयर कर देना चाहिए। मैं इस सीक्रेट को इमली से दूर नहीं रख सकता, शी इज माई लाइफ पार्टनर, जो कुछ मुझे पता है उसे भी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब कुछ कैसे बताऊं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। वो एकदम घबरा कर कहती है ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगी। आर्यन कहता है ठीक है मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। ये कहकर फ्रेंड्स वहाँ से खुशी में भाग जाता है। दूसरी तरफ ज्योति सोचती है कि इससे पहले कि तुम दोनों आगे बढ़ो मैं सब कुछ खत्म ही कर दूंगी। इस एपिसोड के एंड के प्रीकैप में फ्रेंड्स दिखाते हैं कि आर्यन इमली को देता है सरप्राइज। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइट से जगमगाता हुआ ट्री हाउस। फिर हम देखेंगे कि दोनों उस पर खड़े होंगे और नीचे से ज्योति मुतरमा आर्य से उस ट्री हाउस के बांस को उसकी स्पोर्ट को काट रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।